आप लोग भी हैं। चारों तरफ से बौली पर आता है जुलूस रामनवमी का और एक दूसरे से लोग वहाँ पर मिलन करते हैं, पर उस समय पुलिस के पदाधिकारी हम पार करा देते हैं, कोई विवाद नहीं होगा। नतीजा हो गया कि विवाद काफी उत्पन्न हो गया, बनाया गया कि अब आइंदा जो भी जुलूस निकलेगा वो बिना परमिशन का नहीं निकले। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। रामनवमी के दिन जो जुलूस निकला था उसमें जो हिंसक झड़प हुई है उसका आज गया में सुलहनामा हो गया। जी हां, बता दें आपको कि बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव जो है वो दो समुदाय के लोगों को बुलाए और दोनों का सुलह जो है वो करवाया। इसको लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव, सुनिए। रामनवमी के त्यौहार पर दो समुदाय के बीच में जुलूस निकालने के उपरांत ढकाइन एवं डब्बों के बीच में काफी विवाद उत्पन्न हो गया। उसी विवाद को आपस में भाईचारा बनाने के लिए आज यहां पर एकत्रित हुए हैं। क्योंकि ढकाइन से जुलूस चाकन बौली पर जाता है और वहां जाकर समाप्त होता है, चारों तरफ से बौली पर आता है जुलूस रामनवमी का और एक दूसरे से लोग वहां पर मिलन करते हैं और उसको प्रांत समाप्त हो जाता है। पर इस बार लाइसेंस न भी रहते भर में डब्बों के माध्यम से और उस रास्ते से लोग जुलूस लेके चला गया, पर जिम्मेवारी लिया था वहाँ का पदाधिकारी थाना प्रभारी और एक छोटा और पदाधिकारी था। उस समय मस्जिद में नमाज अदा हो रहा था, लोग ने कहा कि अभी नारा मत लगाइए, डीजे मत बजाइए और जुलूस इस रास्ते से मत ले जाइए। अन्यथा नमाज में बड़ा डिस्टरबेंस पैदा उत्पन्न हो जाएगा। पर उसी समय पुलिस के पदाधिकारी बोले कुछ नहीं होगा, इसको पार कीजिए, हम पार करा देते हैं, कोई विवाद नहीं होगा। नतीजा हो गया कि विवाद काफ़ी उत्पन्न हो गया और जिसके कारण काफ़ी झंझट झगड़ा झंझट आगे बढ़ गया। बाद में दोनों तरफ से जो आदमी जेल गया दोनों पक्ष से ओर से दोनों बेकसूर हैं, दोनों निर्दोष हैं, हिंदू वर्ग भी और मुसलमान वर्ग भी। तो आज उसी को बुलाकर सर्किट हाउस के प्रांगण में ये तय किया गया कि एक रूट अलग बना दिया जाए, समझौता हो, तो नगर प्रखंड के अंतर्गत ढकाइन मोड़ से मुड़कट्टा गांव से होते हुए डुमरी तक 2 किलोमीटर चला जाएगा और नया लाइसेंस निर्गत होने के बाद ही अब किसी तरह का जुलूस निकलेगा। पर उसको बनाया गया कि अब आइंदा जो भी जुलूस निकलेगा वो बिना परमिशन का नहीं निकलेगा, परमिशन लेकर निकलेगा। इस पर मुसलमान भी राजी है कि आप परमिशन लेके आइए और हिंदू भी राजी है कि हम परमिशन लेके आवेंगे। तो हम चाहते हैं कि आज दोनों आपस में गला मिलेगा, उसको आज पूरे देश भर में इसको दिखलाया जाए। क्योंकि यहाँ पर विवाद हिंदू मुसलमान का समाप्त हुआ और जो दंगा एक्ट है ये समाप्त होना चाहिए। अब इसका पक्षधर नहीं है, आप लोग पक्षधर हैं कोई नहीं। तो हम चाहते हैं कि से दोनों पक्ष गला आपस में मिल लें और आप लोग उसको पूरा दिखलाइए।
तो आपने सुना कि किस तरीके से रामनवमी के दिन जो जुलूस निकले थे और उसमें जो दो समुदायों के बीच में हिंसक झड़प हुई थी उसको लेकर उन्होंने बताया कि इसमें कई ऐसे लोग जो हैं वो निर्दोष भी थे और इसमें किसी का भी दोष नहीं है। जी हाँ, दरअसल बता दें कि उन्होंने किस तरीके से बताया कि रामनवमी के दिन हिंदू समाज के लोगों के द्वारा जुलूस निकाला गया था जिसके लिए लाइसेंस भी नहीं लिया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि जुलूस चाकंद प्रखंड के ढकाइन मोड़ से आगे बढ़ा, तभी नमाज का समय हो गया था और कुछ लोगों के द्वारा यह कहा गया कि जुलूस को रोक दिया जाए और नमाज जैसे ही खत्म होगा उसके बाद जुलूस नारेबाजी जो है वो की जाए, लेकिन प्रशासन ने कहा कि इसे आगे जाने दिया जाए और इसी को लेकर यहाँ पर दो समुदाय के बीच में हिंसक झड़प हो गई। और ऐसे सहकारिता मंत्री ने दोनों समुदाय के लोगों को बुलाया, उनसे गले मिलवाया और पूरे तरीके से सुलहना जो है वो करवाया। तो बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, फेसबुक पेज को लाइक कर दे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।